चलिए, कल हमने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी रिलेटेड टू ठीक के पोजीशन के। अब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम बताएंगे। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हम बात करें तो पहले पार्टिकल्स होते हैं। क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, फिर एटम होते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, एटम होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में मॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर ऑर्गेनेल्स आते हैं, फिर सेल्स आते हैं, फिर टिश्यू आते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म। जैसे इसमें दिखा रहा गया है आपको, एटम, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसके, ठीक है ना, इस तरह से आपका स्मूथ मॉलिक्यूल, मसल्स, सेल्स, ठीक है, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स, और उसका सेलुलर सेल्स, स्मूथ आपके मॉलिक्यूल से क्या बने, सेल्स बनी। सेल्स के बाद में क्या बनेगा आपका, टिश्यू बनेगा। टिश्यू रेडी हो गया, डिफरेंट टाइप के टिश्यू रेडी हो जाएंगे, और टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन रेडी हो जाते हैं। क्या? ऑर्गन, ऑर्गन रेडी होगी, उसके बाद ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी रेडी होती है। ऑर्गन से क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, और पूरा ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसके बारे में हम, ठीक है ना, जनरल जान लेते हैं। आगे डिटेल्स में सेल्स और टिश्यू के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, बॉडी गवर्नेंस में कुछ बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, ठीक है। बॉडी कैविटीज में आप देखेंगे, एक तो डोर्सल कैविटी होती है, एक वेंट्रल कैविटी होती है। डोर्सल कैविटी, ठीक है, ये एक तरह से बॉडी कैविटी क्या है, हॉलो स्पेस होते हैं, एक खाली स्पेस होता है, उसे हम लोग क्या कैविटी बोलते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये इसमें क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे आपके डोर्सल कैविटी, ये लोकेटेड रहती है आपकी बैक ऑफ द बॉडी, बॉडी के पी, ठीक है, डिवाइड दो बात में आते हैं, क्रैनियल कैविटी जिसमें क्या होता है, ब्रेन पार्ट होता है वर्टिब्रा, और स्पाइनल कैविटी जिसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। अब वेंट्रल कैविटी की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड रहती है, फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के फ्रंट साइड में, ठीक है, जिसमें जो दो भागों में डिवाइड रहती है आपको, एब्डो पेल्विक कैविटी और थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, जिसमें आपका डायफ्राम वगैरह सब पाया जाता है। इसके बाद हम, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है वो दो भागों में बांटी बटी होती है, एक तो एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, जिसमें लीवर, गाल ब्लैडर, स्टोमक, पैंक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपके ऑर्गेनल्स, ऑर्गन्स होते हैं। इस पे एक होती है पेल्विक कैविटी, जिसमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये पाए जाते हैं। इसी तरह से थोरेसिक कैविटी भी दो भागों में डिवाइडेड रहती है, प्लूरल कैविटी, दूसरी होती है पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें प्लूरल कैविटी में आपका क्या होता है, लंग्स होता है, और पेरिकार्डियल कैविटी में आपका क्या होता है, हार्ट पाया जाता है। अभी थोड़ा सा हम डायग्राम से और क्लियर करेंगे, ठीक है ना, सीधा सा है, देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, डोर्सल, देखिए डोर्सल कैविटी में आपकी कौन कौन सी, क्रैनियल कैविटी जिसमें क्या है, ब्रेन पाए, ब्रेन है, इसके अलावा आपका वर्टिब्रा है, ये आपकी क्या है, पूरी डोर्सल कैविटी में आ गया, जो येलो कलर से दिखाया गया पूरे डोर्सल कैविटी के अंदर शो किया गया है। थोरेसिक कैविटी, ठीक है ना, ये आपका थोरेसिक, इसमें क्या होता है, आपके लंग्स और हार्ट दो कैविटी पाई जाती है, जो दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, इसी सुपीरियर मेरिस्टियम है, प्लूरल कैविटी है, ठीक है, ये सब इसके अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाती है, जैसे वेंट्रल कैविटी का नाम भी जानते हैं, इन सब क्या कहते हैं, वेंट्रल कैविटी का नाम से भी जानते हैं, जैसे डायफ्राम है, ठीक है ना, एब्डोमिनल कैविटी ये आपकी होती है, ठीक है ना, पेल्विक कैविटी, यहाँ पर आपके जो यूरेटर वगैरह है सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है। तो आपकी दो कैविटी होती है, मैन दो कैविटी होती है, इसमें पार्ट डिवाइडेड, पार्ट दो अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, देखिए आपकी जो है कितनी, दो भागों में डिवाइड रहती है, डोर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी, जिसमें से आपका क्या है, पहली कितने भागों में आती है, दो भागों में, एक तो क्रैनियल कैविटी, एक होता है स्पाइनल, क्रैनियल कैविटी में ब्रेन पाया जाता है, और स्पाइनल कैविटी में स्पाइनल कॉर्ड पाए,
और बेंटल कैविटी क्या होता है, दो भी दो पार्टों में डिवाइड रहती है, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी और थोरेसिक कैविटी। जो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी है वो क्या है, जैसे आपका लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टोमक है, पेंक्रियाज है, स्प्लीन है, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं लोग कि डोर्सल कैविटी में कौन कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, क्रैनियल कैविटी में क्या क्या ऑर्गन, तो ये क्वेश्चन पुटअप इसके अंदर से हो सकते हैं और कभी भी एग्जाम में कहीं भी पूछ सकता है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सी कैविटी किसके अंदर आती है, ठीक है ना, कौन सा ऑर्गन किस कैविटी के अंदर पाया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। जैसे आपका पूछ सकता है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन किस कैविटी में आती है, तो वो भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसे किडनी के बारे में पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में किस कैविटी में पाया जाता है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट है बॉडी मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बॉडी मेम्ब्रेन की बताऊं, ये क्या टिश्यू से, बॉडी मेम्ब्रेन क्या है आपकी, टिश्यू से लाइनेड बॉडी कैविटी जो होती है उनको कवर करती है, इंटरनल ऑर्गन को बोलते हैं बॉडी। इसमें पैराइटल मेम्ब्रेन और होती है विजरल मेम्ब्रेन। पैराइटल लाइनिंग वो कैविटी होती है जो क्या करती है, प्लूरल मेम्ब्रेन का पूरी तरह प्लूरल कैविटी को कवर कर रखती है। जो प्लूरल कैविटी होती है इस तरह से, जो आपका आउटर लेयर होती है वो कवर कर रखती है विजरल लेयर, और जो इंटरनल लेयर होती है वो क्या है, अंदर के पार्ट को कवर करती है ऑर्गन की, ठीक है ना। इस तरह से विजरल लेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जैसे लंग्स वगैरह, लंग्स में होती है, आपके हार्ट में भी पाया जाता है, उसमें ये प्लूरल कैविटी होती है जो बीच में फ्लूइड भरा होता है इनकी कैविटियों के बीच में। आगे और जानेंगे, ठीक है। आप हमारे जो पूरे सिस्टम है उसमें 11 सिस्टम होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप बात करें हम लोग किसकी, देखिए इंटेगोमेट्री सिस्टम, स्केलेटन, मस्कुलर नर्व्स, एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी बार आते हैं कि आपके एनाटॉमी में कितने, ठीक है, वो सिस्टम होते हैं, तो 11 सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से डिवाइड रहते हैं 11 सिस्टम, ठीक है। एक क्या है, फंक्शन के हिसाब से डिवाइड भी कर रखे हैं इसमें, देखो ये फंक्शन के हिसाब से डिवाइड कर रखे हैं, जैसे प्रोटेक्शन, इंटरगेमेट्रेशन, सपोर्ट के हिसाब से, मूवमेंट में स्केलेटन जो कि सपोर्ट और मूवमेंट हमें प्रोवाइड करता है ये सिस्टम, इंटीग्रेशन या कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन, ये दोनों क्या करते हैं आपको, इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन आपको सहयोग में हेल्प करते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, जैसे डाइजेस्टिंग हुआ, रेस्पिरेटरी हुआ, सर्कुलेशन, इस तरह का ये सिस्टम है, ये यूरिनरी सिस्टम है, ये प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट आने जाने की चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंदर आता है। तो ये अकॉर्डिंग टू फंक्शनिंग एक्टिविटी डिवाइड किया है, जो फंक्शन जैसे ही कर रहा है उसी हिसाब से उसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभार बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं उसके लिए, क्योंकि जब कभी कभार पोजीशन पूछ जाती है ऑर्गन की तो वो समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले जो आता है आपका सेजाइटल प्लेन, सेजाइटल प्लेन जो सेक्शन है हम बात करेंगे, वो सेजाइटल मतलब जो वर्ड है वो सेजाइटलिस्ट बनते हैं, सेजाइटल मतलब अराउंड, सेजाइटलिस्ट मतलब अराउंड, क्या ए डबल आर अराउंड, ठीक है, अराउंड सेजाइटल अराउंड। अब मतलब सेजाइटल मतलब अराउंड, आपका देखिए सेजाइटल जो सेक्शन है डिवाइडेड इन बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट, मतलब आपका लेफ्ट और राइट को डिवाइड करने वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सेजाइटल पार्ट कहलाएगा। जैसे आपका इसमें मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे इसका आप कह सकते हैं कि ये बीच की मीडियल डिस्टेंस, जो बीच का जो पार्ट है जो क्या है, जैसे इस ये पार्ट है ब्रेन का, ये सेजाइटल पार्ट है। जैसे हम बात करें ब्रेन, ब्रेन का जैसे कोई ब्रेन पार्ट है, इसका बीच ये क्या कराएगी साइड, उसके चारों तरफ का पार्ट क्या है इसके, जैसे ये भी मिड लाइन है तो उसके क्या कराएगी अराउंड, क्या हो गया राइट सेक्शन, लेफ्ट और राइट सेक्शन, दैट इज कॉल्ड सेजाइटल पार्ट। वो बीच में कोई जैसे इसमें एक लाइन है, ये क्या है सेजाइटल मिडिल पार्ट, सेजाइटल पार्ट, ठीक है, मिड सेजाइटल
मिडिल प्लेन, जिसे कहते हैं मिड सेराइट, सेराइटल या मिडिल प्लेन। इसमें मिड सेराइटल या मिडिल प्लेन की बात करें तो हम लोग, ठीक है ना, तो ये देखिए एक बार ये वाला आपका, ठीक है, ये वाला मिड सेराइटल है, मिडिल प्लेन आपका, इसको डिवाइडेशन कर रहा है, जो क्या करता है, डिवाइडेड टू बॉडी पार्ट इंटू इक्वल मिड लाइन, मतलब दो भागों पूरी तरह से क्या करता है, दो भागों में डिवाइडेड कर देता है इसको, दो भागों में। देखो जैसे कोई चीज हो, आप मान लो ये है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो ठीक है, क्या कहलाएगा, मिड सेराइटल, जो बीच में से होके जाए तो उसे मिड सेराइटल कहते हैं, उस पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रंटनल या कॉर्नल प्लेन, ये डिवाइडेड इंटू एंटीरियर पोस्टीरियर, ये क्या करता है, जो आपका जैसे ये वाली है, ठीक है, ये आपके क्या करेगा, इसके आगे का और पीछे का, जैसे सपोज दैट ये चीज है, ठीक है, ये कोई चीज है, ठीक है। अब इसमें जो इसके बैकवर्ड होगा, जो बैक बैक, ठीक है, क्या बैक को, बैक प्लस इसके फ्रंट को अलग करने वाला पार्ट, मतलब दोनों को अलग करने, बॉडी को अलग करने वाला पार्ट, जैसे यहां से एक लाइन ये वाला आपका, ये क्या हो गया आपको फ्रंट, ये बीच में अगर दोनों को अलग, एंटीरियर बैक होगी इसकी और बैक, मतलब आपके ये हो गया, तो ये क्या कह रहा है, दो भागों में डिवाइड करने वाला पार्ट, ट्रांसफर हॉरिजेंटल, जैसे हॉरिजेंटल के मतलब ट्रांसफर, हॉरिजेंटल का मतलब आपका हो गया कि इस तरह से, ठीक है, बीच में से अलग करने वाला, मतलब कोई भी चीज हो, जैसे आपके बॉडी है ट्रांसफर हो, बीच में से खड़ा कोई खड़ी हुई चीज है, ठीक है, खड़ी हुई चीज को बीच में से अलग करने वाला, खड़ी हुई चीज बीच में से, तो ऊपर का ट्रांसफर हो गया, मतलब उसको प्लेन कह सकते हैं, जैसे ठीक है, क्या कह सकते हैं, जैसे ये चीज है आपकी, ठीक है, ठीक है, इसको ये ऊपर का पार्ट हो गया, ये नीचे का पार्ट हो गया, ट्रांसफर पार्ट हो गया, बीच में पार्ट बना हुआ, ठीक है, ट्रांसफर पार्ट हो गया, बीच का पार्ट हो गया ये, ठीक है ना, ये ट्रांसफर पार्ट हो गया, ये ऊपर का, ये नीचे का, ये ट्रांसफर पार्ट हो गया, दैट इज क्लियर। चलिए अब देखिए, मोस्ट कुछ रीजन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे आपका बॉडी रीजन्स होते हैं, ये 9 रीजन्स होते हैं, ठीक है, आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिक, देखिए एपिक गैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन और राइट इलियक और हाइपोगैस्ट्रिक और लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है, ये आपके रीजन्स हैं, ठीक है, ये रीजन्स आपके, ठीक है, प्रत्येक ऑर्गन को अलग 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 दर्शाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में रीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है, आपको इसके बारे में 9 रीजन्स होते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। देखिए मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए ये आपका इसका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका एक पार्ट है, ये आपके जो जो आपकी नाभि, यहाँ से लेके आपका ये पार्ट, ठीक है ना। अब इसमें जो आपका क्या है, देखिए राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये वाला राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, ये लेफ्ट हाइपो एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो आपका एपिगैस्ट्रिक मतलब जहाँ पर आपका स्टोमक वगैरह होता है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आता है, राइट हाइपो राइट लंबर रीजन मतलब आपके जो लंबर है उसके रीजन साइड में, राइट साइड पर अम्बिलिकल, जो बीच में आपका जो कह सकते हैं नाभि होती है उसके बीच पार्ट को क्या कहते हैं, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, जो आपके इस साइड में डिसेंडिंग कोलोन वगैरह लार्ज इंटेस्टाइन होती है तो वो लेफ्ट लंबर रीजन के अंदर आती है, ठीक है। इसके अलावा आप और बात करें राइट इलियक इंग्विनल रीजन, जैसे इंग्विनल रीजन का नाम भी ये राइट इलियक या इंग्विनल रीजन, ये लेफ्ट इलियक इंगुलर रीजन बोला जाता है, जैसे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, देखिए ये जब इसमें जैसे सीकम वगैरह होती है, ठीक है ना, ये सब, और अम्बिलिकल रीजन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह इसके अंदर पाई जाती है। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या होता है, आपके ज्यादातर जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर्स है, जिस तरह के क्या है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन या प्यूबिक रीजन भी बोला जाता है, ठीक है, इसको प्यूबिक रीजन भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपके 9 रीजन से जिनका क्या हम ऑर्गन की पोजिशन बता सकते हैं कि कौन से रीजन में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये है क्वाड्रेट, ठीक है, क्वाड्रेट है, 4 क्वाड्रेट है, राइट अपर क्वाड्रेट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेट और लोअर अपर क्वाड्रेट, ठीक है, इस तरह से क्वाड्रेट रहते हैं। इन क्वाड्रेट को भी डिवाइडेड कर 4 भागों में डिवाइड करते हैं सीधे आपके, ठीक है ना, डिवाइडेड रहते हैं। नहीं, ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जिसमें आप बोलेंगे एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमिनल का मतलब है आपका यहाँ पर,
जो दिया गया रीजन बिटवीन द थोरेक्स और पेल्विक्स, जो पेल्विक्स और थोरेक्स के बीच को क्या कहते हैं, एब्डोमिनल, ठीक है, एंटीब्राचियल द फोर आर्म मतलब आर्म की ओरो, ठीक, एंटी क्यूबाइटल मतलब फोर द एल्बो, जो आप फ्रंट ऑफ द एल्बो, एल्बो का फ्रंट है उसे कहते हैं एंटी क्यूबाइटल, एक्जिलरी मतलब आर्म पिट, आर्म पिट है वो एक्जिलरी कह रहा है, आर्म के नीचे वाला पार्ट है वो एंटी, ठीक है, ऐसे ब्रेक ब्रेंकियल मतलब अपर अपर आर्म, ठीक है, सिलियक मतलब एब्डोमिनल, सेफेलिक मतलब हेड, सर्वाइकल मतलब नेक, ठीक है, कोस्टल मतलब रिब्स, मतलब रिब्स जहाँ पर कोस्टल बढ़ा जाए रिब्स, क्यूबाइटल मतलब एल्बो, एल्बो क्यूबाइटल, फीमोरल मतलब थाइस, ग्लूटियस मतलब द बटक्स, मतलब बटक्स पार्ट को क्या कहेंगे, जो पार्ट होता है जो ग्लूटियस मसल्स पाए जाते हैं उसे कहते हैं बटक्स बोला जाता है, ठीक है, लंबर मतलब लोअर बैक, मतलब आपकी जो बैक है उसको लंबर रीजन बोला जाएगा, लंबर रीजन बोला जाएगा, ठीक है ना। देख आपके ऑर्गन जैसे हम बात करें नोज, नेजल बोला जाता है उसको, ओरल को माउथ को ओरल बोला जाता है, ठीक है, सर्वाइकल नेक को सर्वाइकल बोला जाता है, जैसे फ्रंटल को फोरआर्म फोरहेड बोला जाता है, ऑर्बिटल आई को ऑर्बिटल बोला जाता है, बक्कल को चेक, बक्कल चेक बोला जाता है, ठीक है, मेंट ये आपका चिन्ह है उसको मेंटल बोली भी बोला जाता है, ठीक है, ये एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जिनको हमें याद कर सकते हैं, ठीक है, इनको यूज कर सकते हैं, आर्मपिट मतलब एक्जिलरी, आपके एक्जिलरी पार्ट ये वाला, ठीक है ना, इसे ब्रैकियल मतलब आर्म, ठीक है, एंटीक्यूबाइटल मतलब फ्रंट ऑफ द एल्बो, एल्बो का फ्रंट, ठीक है, इसके बाद आपका पेल्विक मतलब पेल्विस पार्ट ये वाला, पेल्विस पार्ट, ठीक है, कार्पल मतलब रिस्ट, इसका पोलेक्स मतलब ये आपका थंब पार्ट, पालर पाम पार्ट, इसके बाद डिस्टल मतलब फिंगर्स, ठीक है, इसके अलावा पब्लिक सॉरी प्यूबिक मतलब जेनाइटल रीजन, जेनाइटल वाला पार्ट आ जाएगा, पटेलर मतलब आपका एंटीरियर नी, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नी, ठीक है, क्यूरेसम में लेग, इसका लेग पार्ट का, ठीक है, पेडल में मतलब फुट आपके डॉर्सल और डिस्टल दोनों आएंगे, टॉय और एंकल वाला, ठीक है, पार्ट ये दोनों पार्ट, ठीक, इसके अलावा आपका जैसे स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन कहते हैं, स्टर्नम पार्ट को ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, ठीक है, थोरेसिक को चेस्ट बोलते हैं, इसी वजह से मेमोरी को ब्रेस्ट बोल, मेमोरी जो होती है ब्रेस्ट को भी मेमोरी में बोल देते हैं, अम्बिलिकल को नेवल बोलते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा को कोसल मीन्स हिप बोला जाता है इसको, इसको इंग्यूनल को ग्रोइन बोल भी देते हैं, ठीक है, फ्यूमरल को थाइस बोलते हैं, फ्यूलर को पर्सनल, ये इसका एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जो ब्लैक आपके लिखे हुए हैं जिनको एनाटॉमिकल वर्ड्स में इनको बोला जाता है, क्लियर, ये आपको ध्यान रखनी है, सबको पूछ भी लेते हैं इनके बारे में, ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना, क्योंकि बेसिक से ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि बिना बेसिक के सीखे कुछ नहीं आगे बढ़ेंगे, कुछ एनाटॉमिकल वर्ड्स नहीं पता होगा तो हम लोग, ठीक है, वो सही तरीके नहीं पता पाए, जैसे सेफेलिक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, चलिए ठीक है ना, कल हम आपको मेडिकल इमेजिंग पढ़ाएंगे, कुछ मेडिकल इमेजिंग क्या 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 होती है, किन किन से देख सकते हैं, कुछ बहुत सारे सीटी स्कैन वगैरह उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपके क्या है आगे जाके काम देंगे कि क्या क्या होता है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको हम धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे, ठीक है, पीईटी क्या होता है, आपका सीटी स्कैन करा क्या होता है, टीएससी क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, क्लियर आपको, ठीक है।